हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सत्या। मैं सत्यवान और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, उम्मीद है वो आपने देख लिया होगा। उससे पहले भी हम एक प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें समझने का भी बहुत कुछ है। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल, पर्सनल मतलब पर्सन से। ठीक है, अब पर्सन वो वाला नहीं, व्यक्ति जो होता है जिसका, मतलब वो वाला नहीं। इसमें पर्सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तीन पर्सन होते हैं। अब देखो, ज्यादातर आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं, जिसमें आई और वी आता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग अभी सुन रहे हो, है ना। जो भी अभी सुन रहा है वो है सेकेंड पर्सन, यू। और जो ना तो सुन रहा है ना बोल रहा है, उसके बाद भी कुछ लोग बच गए ना, वो है थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसके बारे में या तो बात की जा रही है वो, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा उसके बारे में बात की जा रही हो सकता है हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो और मैं तुमको बता रहा हूँ, पर जो नहीं सुन रहा है ना वो थर्ड पर्सन है। जो बोल रहा है, जो बता रहा है बात, वो है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर को बोलते हैं। ठीक है, और ये दो होते हैं, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन होता है लिसनर, और ये एक ही होता है, यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन होता है टॉक्ड अबाउट, जरूरी नहीं है ये हमेशा टॉक्ड अबाउट ही हो जिसके बारे में बात की जा रही हो सकता है ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो, पर जनरली ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है ही, सी, इट एंड दे। ठीक है, देखो स्पीकर आई एंड वी। अब आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, हमें पता है कि आई जो है, अगर मैं बोल रहा हूं मैं, तो है तो एक ही आदमी ना, तो इसका प्लूरल होता है वी। मतलब हर पर्सन में उसका सिंगुलर और उसका प्लूरल होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है आई, इसका प्लूरल है वी, आई मैं वी, जितने भी हम ग्रुप में हैं, मान लो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन पांच लोग हैं, तो मैं बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं, तो जो जो मेरे अलावा चार और इंक्लूड है वो वी। ठीक है, तो ये सिंगुलर, ये इसका प्लूरल, ही, सी और इट, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, पर ये तीनों के तीनों सिंगुलर होते हैं। ही हमें पता है मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है, सी फेमिनिन के लिए यूज होता है, और इट जो है वो थिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है, और इन तीनों का ही प्लूरल जो होता है ना वो दे होता है। बात समझ आई? आई का प्लूरल वी, ही सी इट दे, तीनों का प्लूरल दे। अब जो हमारा सेकंड पर्सन बच गया यू, अब इसमें तो दूसरा कोई होता ही नहीं है, तो इसका सिंगुलर यही होता है और इसका प्लूरल भी होता है। मान लो सामने कोई एक आदमी है, मैं बोल रहा हूँ किसी से बात कर रहा हूँ, एक ही आदमी है, तब भी मैं यू ही बोलूंगा उसको। और मान लो पूरी क्लास बैठी है जिसमें 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तब भी मैं यू ही बोलूंगा। ठीक है, तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये हमें पता चलेगा सेंटेंस पढ़ के, उसमें कॉन्टेक्स्ट देख के। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, इन पे बेस भी हमारे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं लिखना चाहूं, दे हु बिलीव इन गॉड आर कॉल्ड थिस्ट, दे हु बिलीव इन गॉड आर कॉल्ड थिस्ट। अब देखो जैसे हमने दे लिखा ना, इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये दोनों इससे एक्सक्लूड हो गए, मतलब बाहर निकाल दिए गए। दे क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे दे लिखा ना,
तो इसका मतलब जो आई और वी है और यू है, ये दोनों इससे बाहर हो गए। क्या ऐसा होता है कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वही सिर्फ अगर भगवान में बिलीव करेगा तो हम उसको थिस बोलेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं, कोई भी हो, अगर आई भी हो चाहे यू भी हो चाहे वी भी हो, अगर वो भी थिस भगवान में बिलीव करेगा तो हम उसको भी थिस बोलेंगे। कहने का मतलब ये जो बात बोली गई ना वो इन जनरल है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो हमने दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिख दिया वो गलत लिख दिया, ठीक है? तो या तो इसके जगह एक प्रोनाउन होता है वन, वो यूज कर लियो, ठीक है? अगर वो यूज नहीं करना है ना तो यहाँ पे एक और प्रोनाउन होता है दोज, ठीक है? दोज हु बिलीव इन गॉड आर कॉल्ड थेइस्ट। तो ये भी हमारा सही है। तो कहने का मतलब अगर हमें फर्स्ट पर्सन की जरूरत हो तो हम लिखेंगे आई और वी, अगर हमें सेकंड पर्सन की जरूरत हो तो यू लिखेंगे, और थर्ड पर्सन की जरूरत हो तो सिंगुलर में तो ये तीनों और प्लूरल में ये दे, और अगर हमें कंबाइन इन तीनों की ही जरूरत हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोज, ठीक है? ये इन तीनों को रिप्रेजेंट कर देता है। तो यहां तक उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। पर्सनल प्रोनाउन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर, और थर्ड पर्सन हमारा होता है जो उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? फर्स्ट पर्सन दो होते हैं, आई और वी, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे, ठीक है? ये इनके प्लूरल होते हैं। ये बातें हमने समझ ली, अगर आप इतना चाहो तो लिख लो। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मी थिंक दैट हिम इज ए गुड स्टूडेंट, एक और लिख लेते हैं, आई हेल्प ही इन ऑल वर्स्ट सिचुएशंस। अब ये दो एग्जांपल हमने लिखे, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे क्या गलती है और उसको हम कैसे सुधारेंगे। मैंने लिखा मी थिंक दैट हिम इज ए गुड स्टूडेंट स्टूडेंट। अगर इसी को मैं अगर लिख दूं, राम थिंक दैट, और हिम की जगह मैं लिख दूं श्याम इज ए गुड स्टूडेंट। अब देखो अगर जैसे ही सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए, मान लो मैं जो बोल रहा हूँ वो राम हूँ, मेरा नाम राम है, और जिसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ वो श्याम है, ठीक है? तो मैं ये लिख दूँ कि राम थिंक दैट श्याम इज ए गुड स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो क्यों है कि जो ये राम और श्याम लिखे हुए नहीं किसी के नाम है, तो इसको ये होते हैं नाउन, राम और श्याम है नाउन। पर यहां पे जो हमने लिख दिया ना मी और हिम, एक्चुअल में आई प्रोनाउन होता है, ही प्रोनाउन होता है। होता क्या है कि जो नाउन है ना उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, बट जो हमारा प्रोनाउन है ना इसको इंग्लिश ने क्या बना के दिया है कि इसका सब्जेक्टिव केस अलग से बना के दिया और इसका ऑब्जेक्टिव केस अलग से है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, होता है, तो हमने यहां पे थिंक वर्ब लिखी, इससे पहले हमें यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये इज वर्ब है इसका हमें चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है? यहाँ पे हेल्प वर्ब लिखी इसका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इस हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, ठीक है? तो अगर मैं नाउन लिखूं तो कोई भी वर्ब का अगर यहाँ पर भी कोई नाम लिख दूं किसी का तो सही हो जाएगा, पर यहाँ पे ये ही गलत है क्योंकि ही जो है ना वो सब्जेक्टिव केस होता है, ही ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, और आई सब्जेक्टिव केस रहता है, तो आई सही है ही गलत है। तो यहां पे तो लिखो ही हिम, आई हेल्प हिम, और यहां पे सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस चाहिए तो यहां पे लिखो ही, और यहां पे आई का सब्जेक्टिव केस मी का होता है आई, तो आई थिंक दैट
ही इज ए गुड स्टूडेंट एंड आई हेल्प्ड हिम इन ऑल वर्क सिचुएशंस। अब हुआ क्या कि हमारे जो प्रोनाउन हैं उनके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होते हैं, और नाउन जो होते हैं ना उनके वही सब्जेक्टिव केस होता है और वही ऑब्जेक्टिव केस होता है। नाम किसी का भी हो वो सब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकते हैं। तो इनके कौन कौन से सब्जेक्टिव केस होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, कौन कौन से पजेसिव केस होते हैं वो समझ लेते हैं। देखो हमारे प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड होता है ही सी इट एंड दे। कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना ये इनके सब्जेक्टिव केस होते हैं, ये बात ध्यान रखनी। जब भी हमें कभी किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए तो हम इनमें से किसी का यूज करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल जाएगा। अब इनका जो सब्जेक्टिव केस होता है इसको नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इनका होता है ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का होता है अस। क्या लिख रहा हूं मैं, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही होता है, और दे का देम होता है, ठीक है। एक और केस होता है इनका पजेसिव केस, जैसे मान लो मुझे किसी वस्तु पे, किसी चीज पे, किसी थिंग पे मुझे अपना पजेशन दिखाना है, अपना अधिकार बताना है कि ये तो मेरी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास अलग से केस होता है प्रोनाउन का। तो बेसिकली जो हम ये पढ़ रहे हैं ना ये प्रोनाउन के केसेस हैं, ठीक है। पजेसिव केस में क्या होता है, जो आई का पजेसिव केस होता है वो होता है माई, जैसे मैं बोलूं कि ये मार्कर मेरा है ना, तो दिस इज माई मार्कर। वी का होता है आवर, यू का योवर, ही का हिम जो होता है वो क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, और ही का पजेसिव केस होता है हिज। हर का पजेसिव केस हर ही होता है, सी का सॉरी, ठीक है। सी का ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस सेम होता है। इट का होता है इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफ, याद रखना आई टी एस, जैसे योवर के बाद योवर लिखा हुआ है वैसे इट्स भी, ठीक है। और देम का होता है देयर। ये होते हैं इनके पजेसिव केस के डिटरमिनर। ये प्रोनाउन नहीं होते। देखो अगर मैं लिखना चाहूं ना, यहां थोड़ी सी मैं जगह यूज कर रहा हूं, माई पेन, तो ये सही है क्योंकि पेन जो है वो हमारा नाउन है और इससे पहले हमने कोई भी नाउन को डिटरमिन करने के लिए उसका डिटरमिनर होता है, तो ये पजेशन बता रहा है। कहने का मतलब ये डिटरमिनर है और ये बिना नाउन के यूज ही नहीं होते। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना चीजें हमें और क्लियर होती जाएंगी, पर ये जो है ना ये बिना नाउन के यूज नहीं होते। अगर मैं लिख दूं दिस इज माई, तो आपको देख के पता चल जाएगा ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि माई जो है ना वो किसी के लिए यूज तो हो रहा है पर किसके लिए यूज हो रहा है हमें पता ही नहीं है। मैं बोलना चाह रहा हूं ये मेरा है पर है क्या, जिस नाउन की मैं बात करना चाह रहा हूं वो लिखना यहां पे कंपलसरी हो जाएगा। तो इनके ये हैं पजेसिव केस के डिटरमिनर। अब जब इनके प्रोनाउन लिखने होते हैं तो इनके प्रोनाउन अलग होते हैं। माई का पजेसिव केस का प्रोनाउन होता है माइन, ठीक है। आवर का होता है आवर्स, योर का होता है योवर्स, ठीक है। हिज का हिज ही होता है, हर का हर ही होता है, हर्स होता है, ठीक है।
और इट का पजेसिव केस का प्रोनाउन नहीं होता क्योंकि इट्स इसमें पहले से एस लगा दिया है हम डिटरमिनर में, तो यहां पे नहीं लगते हैं, ठीक है। और देर का होता है देयर्स, ये होते हैं प्रोनाउन, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे सब्जेक्टिव केस के या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन ये, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं ये, और पजेसिव केस के प्रोनाउन होते हैं ये, ठीक है। ये हैं प्रोनाउन और ये हैं हमारे डिटरमिनर, तो इनको एक बार आप अपने आप लिख लो, फिर हम इन पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तो जो ये हमारा डिटरमिनर और जो प्रोनाउन का जो इश्यू है ना वो समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप चाहो तो लिख लो, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, आप एक बार इनको ट्राई कर लो वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद समझते हैं। देखो, द प्रिंसिपल स्कॉल्डेड ही टू आई, द थ्योरी इज वेरी इजी, बिटवीन वी मी एंड ही देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, योर इज ए नाइस गार्डन, ही लाइक आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई एक्सेप्ट ही हैज सीन दिस सिटी, सी एंड नॉट दे आर इन्वाइटेड इन द पार्टी। देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नंबर वन, द प्रिंसिपल स्कॉल्डेड हमारी वर्ब, प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट ये वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ही तो ऑब्जेक्टिव केस होता ही नहीं, ऑब्जेक्टिव केस होता है ही, ठीक है। तो द प्रिंसिपल स्कॉल्डेड हिम, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब सेकंड, हमने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो हमारी वर्ब होती है उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है और उससे पहले उसका सब्जेक्ट आता है जब हम नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, यही यही पोजीशन होती है। अब जब इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है तो ऑब्जेक्ट नहीं भी आता है, पर होता क्या, जो प्रीपोजिशन होती है ना, जब भी हमारी प्रीपोजिशन होती है उसका ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा आता ही आता है, कभी भी हो जाए। वर्ब का ऑब्जेक्ट एक बार के लिए ना भी है जब वो इंट्रांजिटिव हो, पर प्रीपोजिशन उसके साथ बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएगी। देखो हमारे यहाँ टू है प्रीपोजिशन, तो उसके बाद आना है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये प्रीपोजिशन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट चाहिए तो आई तो होता है सब्जेक्टिव केस, तो यहां पे लिखो मी, टू मी द थ्योरी इज वेरी इजी। अब आ जाओ नीचे थर्ड पे, बिटवीन, ये भी हमें पता है ये भी प्रीपोजिशन होती है, जब हम प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, पर ये बिटवीन भी प्रीपोजिशन होती है। बिटवीन उसके बाद सब हमने लिखा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है, एंड हमारा कंजंक्शन होता है और ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, सेम रंग के जो वर्ड्स होते हैं उनको जोड़ता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये जोड़ता है इनको, तो ये ऑब्जेक्ट है इसके बाद भी इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये बिटवीन प्रीपोजिशन है, इसका ही ऑब्जेक्ट ये ही होना चाहिए, पर ही तो होता है सब्जेक्टिव केस, तो लिखो हिम, बिटवीन मी एंड हिम देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, ओके। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, योर इज ए नाइस कार, हमने पढ़ा था योवर कौन सा केस होता है, याद नहीं है, योर होता है हमारा पजेसिव केस का डिटरमिनर। अब ये इज हमारी वर्ब है, गार्डन हमारा क्या बोलने इसको, लिंकिंग वर्ब के बाद उसका क्या आता है कॉम्प्लीमेंट, और नाइस क्या है इसका एडजेक्टिव जो इस गार्डन को डिस्क्राइब कर रहा है, ए आर्टिकल है जो इस गार्डन नाउन के लिए यूज हुआ है, तो हमें यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट, बिल्कुल यहाँ पे हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है प्रोनाउन और ये तो हमने लिख दिया डिटरमिनर। तो जब भी कभी सब्जेक्ट की जरूरत पड़े ना, तो योर है माई है ये सब बिना नाउन के यूज नहीं होते, ये डिटरमिनर है, इनके बाद किस नाउन के लिए आया वो आना कंपलसरी है, तो यहाँ पे लिखो योवर्स, लिखो जो हमारा प्रोनाउन होता है वो होता है योवर्स, योवर्स इज ए नाइस कार्ड, ठीक है। अब बोलने में भले ही ये गलत मतलब अजीब सा लग रहा हो, पर ये सेंटेंस अब सही है, ही लाइक आई हैव डन ग्रेजुएशन। अब ये लाइक भी प्रीपोजिशन होती है, ठीक है, और इसके बाद इसका आना चाहिए ऑब्जेक्ट। देखो इसको ऐसे पढ़ो, ही इसको छोड़ दो एक बार, ही हैव डन ग्रेजुएशन,
तो हमें क्या लग रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है आई, ऑब्जेक्ट लिखो मी, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट ये है और ये इसका सब्जेक्ट है ही, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी वो भी गलत लिख दी, वो लिखो हैज, ठीक है। ही हैज डन ग्रेजुएशन लाइक आई, उसने भी मेरी तरह ग्रेजुएशन कर सकी कर लिया मतलब, ठीक है। आई एक्सेप्ट ही हैज सीन दिस सिटी। अब एक बार अपने आप ट्राई कर लो, देखो इसमें इस सिटी को जो देखने वाला वो है कौन, आई या ही या आई प्लस ही दोनों। एक्सेप्ट का मतलब पता होगा आपको, मतलब जिसके बाद जिससे पहले ये लिखा हुआ है उसको छोड़कर, है ना। तो आई एक्सेप्ट ही, ये भी एक प्रीपोजिशन है। मैंने तो सिटी को देखा है पर ही ने नहीं देखा है, ये प्रीपोजिशन है। इसके बाद आएगा इसका ऑब्जेक्ट, तो ये ही तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है। एक्सेप्ट हिम हैज सीन द सिटी। अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो ये हैज नहीं, हैव लिखो। इसको ऐसे पढ़ लिया करो, आई हैव सीन द सिटी, एक्सेप्ट हिम, उसने नहीं देखा पर मैंने देख लिया सिटी को। सी एंड नोट दे आर इन्वाइटेड इन द पार्टी, ये अपने आप ट्राई कर लो। अब ऊपर वाले समझ आ गए तो ये भी समझ आ जाएगा। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि कभी कभी कुछ सिंगल वर्ड जो होते हैं ना वो प्रीपोजिशन होते थे, जैसे टू है, बाई है, बिटवीन है, बट कंजंक्शन प्लस प्रीपोजिशन दोनों होता है, लाइक है, तो ये कुछ वर्ड होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई एक फ्रेज यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या करता है, प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन करता है, वही यहाँ पे हो रहा है। देखो सी एंड नोट दे, अब अगर एक बार इस सेंटेंस को पढ़ के इसका मीनिंग समझने की कोशिश करोगे तो क्या समझ में आ रहा है कि पार्टी में इनवाइट किसको किया गया, सी को किया गया या दे को किया गया या फिर दोनों को किया गया। देखो नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, सी एंड नोट दे, पार्ट यहाँ पे ऐसे पढ़ो, सी आर इन्वाइटेड इन द पार्टी, अभी हमें सही लग रहा है। कहने का मतलब ये नोट दे जो है ना एंड नोट, ये भी हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई। सी एंड नोट दे, मुझे तो इनवाइट किया गया पर उनको इनवाइट नहीं किया गया, ये भी प्रीपोजिशन बन गई। जब ये प्रीपोजिशन बन गई तो दे सब्जेक्टिव केस गलत आ गया, यहाँ पे लिखो देम। सी एंड नोट देम, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखो इज। सी एंड नोट देम इज इन्वाइटेड इन द पार्टी। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी, एक बार इनको अच्छे से नोट कर लो, फिर अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, फिर भी आ रही है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ और मिलता हूँ, और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करो, आप लोग वो तो करते नहीं है ना, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं, एक बार इन्हें भी ट्राई कर ले, वीडियो को पॉज करके फिर ट्राई कर लेना, ठीक है, फिर हम इनको समझते हैं। मैं हट गया, ओके आ जाओ। वी लाइक योर ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। इट्स नॉट माइन फॉल्ट बट योवर, यहां पे लिख लो योवर्स, ठीक है। इट्स नॉट माई फॉल्ट बट योवर्स, डैश कलर इज वेरी ब्यूटीफुल, डैश रादर ब्राइट, द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द बिगेस्ट, द बिगेस्ट रिवर सिस्टम, ठीक है। ये हमने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, अब एक बार आपने ट्राई कर लिया हुआ, हम इनको समझते हैं। देखो वी लाइक योवर्स ब्यूटीफुल हाउस, हमने पढ़ा था कि ये जो योवर होता है ये क्या होता है, डिटरमिनर होता है, तो इसके बाद हमेशा नाउन की जरूरत होगी, पर जो योवर्स होता है ना ये प्रोनाउन होता है, तो जहां हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़े तो हम योवर्स लिखेंगे, और अगर नाउन के साथ लिखना हो ना डिटरमाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए कि किसका, तो हमें लिखना पड़ेगा योवर। तो देखो वी लाइक योवर्स, हमने यहां पे लिख दिया प्रोनाउन, तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहां इसके बाद हमने जो हाउस लिखा हुआ है ये नाउन है,
और ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें चाहिए इस नाउन को डिटरमिन करने के लिए डिटरमिनर, तो हमें लिखना पड़ेगा वी लाइक योर ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट बट योर। अब देखो हमने पढ़ा कि अगर नाउन लिखा हो तो उससे पहले उसका लिखना है डिटरमिनर, और जहां हमें प्रोनाउन की जरूरत है तो उस वहां पे उसका प्रोनाउन वाला केस लिखना है। अब देखो ये लिखा हुआ है इट्स, नॉट हमारा क्या होता है, नॉट होता है एडवर्ब। ठीक है, माइन ये है, फॉल्ट जो है ये इसका ये नाउन है, तो इससे पहले हमें चाहिए डिटरमिनर, और माइन डिटरमिनर होता नहीं है, तो यहाँ पे लिखो माई। इट्स ये जो इट्स है ना इसको भी हम समझ लेंगे, पर इसको अभी देख ला, इट्स नॉट माई फॉल्ट बट। अब बट के बाद हमें क्या लिखना है, योर। अगर हमने जैसे योर लिख दिया ना तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, नाउन, क्योंकि तो डिटरमिनर है। अगर हम या तो इसके बाद नाउन लिखें, ये ऐसा लिखें इट्स नॉट माई फॉल्ट बट योर फॉल्ट, ठीक है, या फिर इसको प्रोनाउन बना दें बट योर्स, तो इसमें जो नाउन है ना फॉल्ट वो इंक्लूड हो गया। ठीक है, जिस चीज की बात की जा रही है, कहने का मतलब प्रोनाउन का काम ही होता है नाउन को रिप्लेस करना, तो ये प्रोनाउन आ गया, तो इस नाउन को इसके अंदर ही है वो। ठीक है, योर्स का मतलब हो गया योवर फॉल्ट, योर्स जो हमने लिखा है ना ये इक्वल है योवर फॉल्ट के। तो या तो योर फॉल्ट लिखो या योवर्स लिख दो। ठीक है, अब नीचे एक इट्स लिखा है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो होता क्या है, एक वर्ड होता है ITS और अपोस्ट्रोफी, एक वर्ड होता है IT और विदाउट अपोस्ट्रोफी। विदाउट वाला हमने पढ़ा है पॉजेसिव केस का प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के डिटरमिनर होता है। ठीक है, पॉजेसिव केस का ये डिटरमिनर होता है। और जो इट्स है ना ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है किसकी, या तो हो सकता है इट इज, या हो सकता है इट के साथ है जाएगा, इट हैज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब प्लस उसका सब्जेक्ट होता है, इट प्लस उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी है इट इज, तो इज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इट इज नॉट माई फॉल्ट बट योवर्स। अब इसको हमने बिना अपोस्ट्रोफी लिख दिया, अब जैसे हमने बिना अपोस्ट्रोफी लिखा ना इसका मतलब हो गया ये पॉजेसिव केस का डिटरमिनर हो गया। अब जैसे ये डिटरमिनर हुआ तो उसके बाद तो हमें क्या चाहिए, नाउन, बिना नाउन के तो आना नहीं है डिटरमिनर, तो यहाँ पे तो नाउन कहीं लिखा नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, तो इसको लिखो इट्स। तो ये छोटी सी बात और ध्यान रखना, अपोस्ट्रोफी के साथ जो इट होता है ना वो होता है इट इज, और बिना अपोस्ट्रोफी जो होता है वो पॉजिटिव केस का होता है। जैसे जनरली क्या होता है, अगर मैं लिखना चाहूँ राम, और राम का पॉजिटिव केस लिखो ना, मान लो दिस इज राम्स मैन, तो हम क्या करते हैं, राम लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके साथ एस लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव केस होता है राम्स मैन, तो राम का पेन हो गया। इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव अपोस्ट्रोफी एस लगाने से पॉजिटिव केस बना, पर ये इट में उल्टा होता है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जो प्रोनाउन होते हैं ना उसका पॉजेसिव केस का डिटरमिनर ऑलरेडी इंग्लिश ने हमें बना के दिया है, वो इट विदाउट एस अपोस्ट्रोफी एस वाला ही होता है, तो जो ये अपोस्ट्रोफी एस वाला होता है ना वो इज कम काम करता है, इट इज या फिर इट हैज। बात समझ में आई होगी ना, एक बार थोड़ा दोबारा बता देता हूँ, जब नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो पॉजेसिव केस बनता है और किसी पे पजेशन शो करता है। ठीक है, जैसे हमने राम स्पैन लिखा, पर जो हमारे प्रोनाउन होते हैं ना उसमें योवर्स है, देयर्स है, इट्स है, इनमें क्या होता है, जो इनके जो पजेसिव केस होते हैं ना वो हमें इंग्लिश ने बना के दिए हैं पहले से, तो हमें उनमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इट इज हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये दोनों समझ में आ गए, तीनों एग्जाम्पल। नीचे आ जाओ, फोर्थ नंबर, कलर्स इज वेरी ब्यूटीफुल, इज हमारी वर्ब,
कलश नहीं है कलर, ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल ये लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वेरी जो है वो एडवर्ब है। हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है। देखो पुरानी बातें हैं, अगर आपने पूरे शुरू से पढ़ा है ना तो बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, तो सब कुछ समझ आ रहा होगा। जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो या तो नाउन पर नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव होता है। तो कॉम्प्लीमेंट है ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल के लिए यूज हुआ है और ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन तो है नहीं तो ये नाउन है। तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी या विद अपोस्ट्रोफी। विदाउट अपोस्ट्रोफी, क्योंकि विद वाला क्या हो जाता है, इट इज हो जाता है, वो सब्जेक्टिव केस का काम करता है। ये है डिटरमिनर, बात पकड़ में आ रही है। अब देखो रादर ब्राइट, यहां पे हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, ये हमारी वर्ब है, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा इट इज, तो यहां पे विद अपोस्ट्रोफी, इट इज रादर ब्राइट। सॉरी, इसमें हेल्पिंग वर्ब साथ में आ गई, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गई। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, यहाँ पे हमें डिटरमिनर की जरूरत है। तो डिटरमिनर का केस की जरूरत हो तो डिटरमिनर लिखना है, सब्जेक्ट केस की जरूरत हो तो सब्जेक्ट लिखना है। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा सेंटेंस को पढ़ के। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो कि इसमें जरूरत किस चीज़ की है, और वो जो केसेस हमने जो चार्ट बनाया था उसको याद रखना है। वो याद रखने की मतलब याद करना नहीं है, दो चार बार, 5 बार, 10 बार, जो 50-60 एग्जाम्पल कर लोगे अपने आप याद हो जाएगा। ये लास्ट वाला, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, सीडीएस वीडीएस में, ये आप अपने आप ट्राई कर लेना, आपको समझ आ ही गया होगा। और इसका आंसर जो है ना वो कमेंट कर देना ध्यान से, जो कि आप करोगे नहीं मुझे पता है, फिर भी एक दो दिन जरूर करेंगे। तो इसका आंसर कहाँ गलती है और क्या गलती है वो जरूर करना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं मिलता हूँ कुछ और एग्जाम्पल के साथ, अगर आप चाहें तो इसे लिख लें। कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं मैंने, इनको भी ट्राई कर लो। देखो ट्राई किया करो, अगर हम लोग जो पढ़ते हैं उसको आप एक बार ट्राई करोगे, फिर समझोगे और एक दो बार फिर से वीडियो को देखोगे ना, तो गारंटी है वो चैप्टर आपको कहीं भी दुनिया में कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर उस वे में पढ़ रहे हो। अगर आपको चाहिए कि भाई रूल नंबर 1, रूल नंबर 47, रूल नंबर 50 वैसे पढ़ें, तो फिर देखो उसका कोई इलाज नहीं है ना। तो यही तरीका है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसा तो है नहीं कि रूल पे बेस्ड है। तो उस लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से समझेंगे ना, सीक्वेंस वाइज, तभी समझ में आएगी। कहीं से कुछ भी उठा के समझ लिया तो नहीं आएगी। हमने इसी वजह से टेंस पढ़ा, वर्ब पढ़ा, क्योंकि ये बेसिक है। अगर वर्ब हमें नहीं पता है, टेंस हमें नहीं पता है, तो फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे। सेंटेंस हमने पहला लेक जो हमने फंडामेंटल्स पढ़े उसमें सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। अगर जब हमें यही नहीं पता कि सेंटेंस होता क्या है, इंग्लिश क्या होती है, इसका यूज क्यों करते हैं, तो ये सब चीज़ें समझ नहीं आएगी। जैसे मान लो प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या बिना वर्ब के प्रोनाउन चैप्टर पढ़ सकते हैं? कोई भी चैप्टर बिना वर्ब के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कोई सेंटेंस बिना वर्ब के ही नहीं बनता। तो इंग्लिश को सीक्वेंस से पढ़ना ही जरूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फ्रेज क्या होती है, तो ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसी से हम तोड़ तोड़ के सेंटेंस को जब तोड़ना शुरू कर देंगे ना, तो फिर चीज़ें हमें बहुत अच्छे से दिखने लगेंगी कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी है कि नहीं लिखी है, नहीं लिखी है तो उसको चेंज करो। बस यही चीज़ें हमें सिखाती हैं, ठीक है। और उसी नजरिए से देखो इस सेंटेंस को कि सबसे पहले क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, जैसे जैसे पढ़ते जाओ ना ऐसे उसमें गलतियां दिखनी चाहिए। मान लो यहां गलती दिखी ना, रुक जाओ, तो वही तरीका बेस्ट है। अगर यहां पे गलती है और हम पढ़ के आगे निकल गए, तो इसका मतलब हमने सीखा है ही नहीं, ठीक है। मैंने जो बोला, आपने जो सुना, उसके बीच में जो हम कर रहे हैं ना, खुद से जो बोल रहे हैं, खुद से जो कोशिश कर रहे हैं, वही हमें सिखाती है। देखो पहला सेंटेंस लिखा है, इट इज हिम हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। सेकेंड लिखा है, इट इज आई दैट दे आर लुकिंग फॉर। थर्ड लिखा है, वॉज इट देम हु हेल्प यू देयर। थर्ड लिखा है, दे विल लेट आई गो देयर।
इसको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव बना। दे विल लेट आई गो देर, एवरीबडी बट सी हैज एग्रीड, लेट स्पीक फर्स्ट, और लास्ट लिखा है इट इज ए डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड आई। उम्मीद है आपने सही ट्राई कर लिए होंगे। अब देखो हम समझते हैं, इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऐसे पढ़ा करो सेंटेंस को, ये हाँ इसकी वर्ब हो गई। अब देखो इसके बाद चाहिए हमें कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इट इज हिम। अब एक बात ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो हमने जो सबसे पहले पढ़ा ना रिलेटिव प्रोनाउन, वो उससे पहले उसका क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, वो ऐसे यूज नहीं होता, उसके लिए उसका कॉम्प्लीमेंट जरूरी है, किसके लिए वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हु हमने लिखा हुआ है, और हु हमें पता है सब्जेक्टिव केस होता है, जब ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी तो सब्जेक्टिव केस में लिखो ना, लिखो ही, इट इज ही हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज आई दैट दे आर लुकिंग फॉर। अब देखो हु तो हमें पता है सब्जेक्टिव केस होता है, हु हमें पता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, पर जो दैट है ना वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारी वर्ब कहाँ है। वर्ब हमने लिखी हुई है आर लुकिंग फॉर, वर्ब से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, वो हमारा होता है सब्जेक्ट, जब दे सब्जेक्ट है ना तो दैट जो है ना ये ऑब्जेक्ट होगा। ये बातें हमने कोई 500 बार पढ़ी हैं, इनको हम कैसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कैसे सब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा, ये कोई 100+ वीडियो में डाल चुका हूं। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं ना वो बहुत जरूरी हैं, अगर आप सीधा यहां से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोल जाता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, वो चीजें हम समझ चुके हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी तो ऑब्जेक्ट लिखो मी, ठीक है। वॉज इट देम हु हेल्प यू देर। अब देखो ये हमारी वर्ब लिख दी हमने, वॉज इट देम, ये हमने लिखा हु सब्जेक्टिव केस, इसके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है देम, तो ये गलत हो गया। दे देखो ये बात समझ आ गई, तो क्योंकि तीनों एग्जाम्पल उसी पे बेस्ड हैं, तो इसका सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस, तो ये बहुत आसान हो गया। पर ये चीजें पकड़ना ही मुश्किल काम होता है, ये हम पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं वही हमें सीखना है, जब ये पकड़ लिया तो पता चल ही जाएगा। दे विल लेट आई गो देर, अब देखो दे सब्जेक्ट हो गया, विल लेट वर्ब हो गई, गो देर एडवर्ब हो गई, वेयर का रिप्लाई, यहां पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, आई तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, अभी बात ही खत्म। बस ऐसे ही तोड़ो इन सेंटेंस को, एवरीबडी सब्जेक्ट हो गया, बट क्या होता है, अब देखो एक छोटी सी बात और समझ लेना, बट जो है ना बट कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होती है, ये प्रीपोजिशन भी होती है और कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। जब इसका मीनिंग होता है ना एक्सेप्ट, मतलब एक्सक्लूड करना, आई बट ही, तो ये प्रीपोजिशन है, उसके प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा हिम, तो हमें लिखना पड़ेगा आई बट हिम गो देयर, मैं वहां गया पर वो नहीं गया, ठीक है। तो जब ये प्रीपोजिशन होगी तो उसका ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब जब एक्सक्लूडिंग होता है ना उसको शामिल नहीं करना, तब ये होता है प्रीपोजिशन, और जब इसका मीनिंग होता है ना टाइम से रिलेटेड स्टिल है ना, तब ये होता है कंजंक्शन, ठीक है। तो यहां पे देखो एवरीबडी बट सी हैज एग्रीड, कि सारे एग्री हो गए किसको छोड़ के, सी को, तो ये प्रीपोजिशन हो गई, मतलब सी को एक्सक्लूड करना है ना, तो प्रीपोजिशन होगी तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, और सी ऑब्जेक्टिव केस होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, एवरीबडी बट हर हैज एग्रीड, लेट ही स्पीक फर्स्ट। अब देखो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस के टाइप हमने बहुत बार पढ़े तो ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर तो आपकी गलती है कि वो आपने वीडियो नहीं देखी। ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, यू, लेट हमारी वर्ब है, यू वहां पे सब्जेक्ट है, तो ये ही सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे क्या कर रहा है, जब इसमें सब्जेक्ट यू है तो इस अब इसका ऑब्जेक्ट लिखो हिम, लेट हिम स्पीक फर्स्ट, जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना लेट हिम स्पीक फर्स्ट तो हमें सही लग रहा है,
लेट ही स्पीक फर्स्ट हमें गलत लग रहा है, मतलब बोलते हैं ना कि ये सेंटेंस अटपटा सा लग रहा है, जो हम बोलना चाह रहे हैं वैसा सही नहीं लग रहा। वो तो हमें पता है कि हिम आएगा, पर वजह हमें नहीं पता। जब हमें वजह भी पता चलेगी ना, खूबसूरती तो तब आएगी जब हम को वजह भी पता हो, है ना। तो यहाँ पे लिखो लेट हिम स्पीक फर्स्ट। लास्ट लिखा है इट इज ए डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड आई। अब देखो बट जो हमारा था ना, ये कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होती है, पर जो बिटवीन है ना वो हमेशा प्रीपोजिशन ही होती है। इसका एक दो एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा है। तो इसके बाद आएगा इसका ऑब्जेक्ट यू, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यू, मी जो आई जो है ऑब्जेक्ट होता नहीं है, मी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। ठीक है, मिलता हूँ कुछ और एग्जाम्पल के साथ। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं, इनको भी एक बार ट्राई कर लो, फिर हम इनको भी समझ देते हैं। मैं हट जाता हूँ, ट्राई जरूर करना भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कुछ सीखने का इनमें। ठीक है, देखो माई फादर डिडंट अप्रूव ऑफ मी कमिंग लेट एट नाइट, दे डिड नॉट लाइक हिम मैरिंग हर, दे टुक एडवांटेज ऑफ अस बींग पोलाइट, वी कांट टॉलरेट एवरीबडी कमिंग लेट, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, यू बींग केयरलेस कैन कॉस्ट यू दिस अपॉर्चुनिटी, द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू देम यूजिंग इंटरनेट। अब देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लिखा माई फादर, हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग अप्रूव होगी हमारी वर्ब, डिड नॉट अप्रूव वर्ब हो गई, ऑफ हमारी प्रिपोजिशन हो गई। अब देखो होता क्या है, ये प्रिपोजिशन हो गई उसके बाद ये लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट। अब इस हिसाब से देखें तो हम हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, लग रहा है ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारी प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट, और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। पर क्या हम ये जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट मी है? मेरा जो फादर है वो अप्रूव क्या नहीं करते, मुझे नहीं करते, या मेरा लेट आने की जो एक्शन है उसको अप्रूव नहीं करते? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे फादर जो है, सेंटेंस को पढ़ना एक बार, वो अप्रूव क्या नहीं करते, मेरा लेट आना या मुझे, मी या फिर मेरे जो लेट आने की जो आदत बोलो या एक्शन बोलो या जो हरकत बोलो कुछ भी बोलो, इसको अप्रूव नहीं करते कि मुझको अप्रूव नहीं करते? तो आपको जवाब मिला होगा कि वो जो लेट आने की हरकत है ना उसे अप्रूव नहीं करते। मुझे अप्रूव नहीं किया होता तो पैदा ही नहीं होता ना। तो बात यहाँ पे मी की नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट इसका ये है, ये जो कमिंग है ना वर्ब की ING फॉर्म, ये यहाँ पे नाउन का फंक्शन कर रही है, और जब ये नाउन होती है तो क्या होता है, किस क्या बोलते हैं इसको, जिरेंड, नॉन फाइनाइट वर्ब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं पढ़ा है तो जाके देखो। ठीक है, तो ये है हमारा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे मी क्या कर रहा है, इसको हटाओ। माई फादर डिडेंट अप्रूव कमिंग लेट एट नाइट, अगर हम यहाँ पे मी को हटा देते हैं ना तो सेंटेंस सही है, पर जो हम बात करना चाह रहे हैं कि किसका जो लेट आने की हरकत है वो किसकी अप्रूव नहीं करते, मेरी, तो वो यहाँ पे मिसिंग हो गया, तो मी हम यहाँ से हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जो नाउन है इससे पहले कौन सा केस लिखना है, इसका डिटर्मिनर लिखो माई, तो ये इसका डिटर्मिनर हो गया, ये नाउन हो गया इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो अगले एग्जाम्पल से आ जाएगी, और आ गई तो बहुत अच्छी बात है। दे डिड नॉट लाइक हिम मेरिंग हर। अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट, डिड नॉट लाइक हमारी वर्ब, ठीक है, लाइक प्रीपोजिशन भी होती है, लाइक वर्ब भी होती है। अब देखो अगर इस हिसाब से देखें तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है, पर वो लाइक किसको नहीं करते, उसको या फिर उसके शादी करने वाले एक्शन को या प्रोसेस को, जो भी बोलो, इस शादी करने को अप्रूव नहीं कर रहे या फिर उसको उसको पसंद नहीं कर रहे, उसको पसंद नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, उसका जो किसी लड़की से शादी करना है ना, कोई पर्टिकुलर होगी उससे शादी करना, उसको उनको वो पसंद नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस गलत लिखा हुआ है, ये फिर से वही वर्ब की ING फॉर्म, नाउन जिरंड का काम कर रही है, तो यहाँ पे इससे पहले भी लिखो
हिज, ठीक है, पजेसिव केस का डिटरमिनर। दे टुक एडवांटेज ऑफ अस बीइंग पोलाइट। अब एक बार वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए लिखता हूँ कि चीजें बार बार समझने से ना पकड़ में आती हैं। दे हमारा वह सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, दे टुक एडवांटेज ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गई। इसका ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो अब सही है, पर एडवांटेज उसने किस किसका लिया, उसका लिया या फिर उसके पोलाइट होने की वजह से उसका लिया, उसके पोलाइट होने की वजह से, ठीक है, वो पोलाइट था इसलिए उन्होंने उसका एडवांटेज लिया। अगर वही आदमी खड़ूस होता, कुछ मतलब पोलाइट नहीं होता, तो एडवांटेज नहीं ले पाते। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पे लिखो आवर, पजेसिव केस का डिटरमिनर, ठीक है, जो ये आईएनजी फॉर्म है, नाउन का काम कर रही है, इसके लिए डिटरमिनर का काम करे। हम इसको हटा भी सकते हैं, पर अगर हटा देंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये पोलाइट हो कौन रहा था, एडवांटेज किसके पोलाइट होने का लिया गया, पोलाइट होने का एडवांटेज लिया गया पर किसके, और ठीक है। अगर वो समझ में आ गए तो एक बार फिर से दोबारा ट्राई कर लो, आपने पहले भी ट्राई किया होगा, पर ये चार एग्जांपल वो समझने के बाद ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, गलत किए हैं तो, ठीक है, फिर से ट्राई करो। देखो, वी कांट टॉलरेट एवरीबडी कमिंग लेट। अब टॉलरेट हम किसको कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, एवरीबडी को या कमिंग लेट को, उनके लेट आने को नहीं कर रहे ना, तो एवरीबडीज लिखो, पॉजिटिव केस, ठीक है, तो एवरीबडी का पॉजिटिव केस होता है एवरीबडी इज कमिंग लेट। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, ये फिर से नाउन है, जिरंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इससे पहले लिखो माई। एक्सक्यूज क्यों करना है, इंटरप्ट करने के लिए ना, तो जो मैं तुमको इंटरप्ट करना हो इसलिए एक्सक्यूज करो, किसको, मेरे को, तो यहां पे ये बताने के लिए डिटरमिनर लिखना पड़ेगा। अगला देखो, यू बींग केयरलेस कैन कॉस्ट यू दिस अपॉर्चुनिटी। अब देखो, कैन कॉस्ट यू दिस अपॉर्चुनिटी, ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कि भाई केयरलेस होने की वजह से तुम्हारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी जा भी सकती है, ठीक है, तो बींग केयरलेस क्या है, सब्जेक्ट, केयरलेस होने की वजह से तुम्हारे हाथ से अपॉर्चुनिटी जा सकती है, तो ये यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यू है, ये क्या कर रहा है, ये हटा दो, हटा देंगे तो पता नहीं चलेगा कि भाई किसके लिए बात की जा रही है, तो इसको हटाओ नहीं, इसके लिखो योर, योर बीइंग केयरलेस कैन कॉस्ट यू दिस अपॉर्चुनिटी, तो ये डिटरमिनर बन गया, ठीक है। द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू देम यूजिंग इंटरनेट, डिडंट ऑब्जेक्ट वर्ब हो गई हमारी, टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, टू हमारी प्रीपोजिशन हो गई, उसके बाद देम ऑब्जेक्ट लिखा है, हिसाब से बात सही होनी चाहिए, पर ऑब्जेक्ट उन टीचर ने जो है ऑब्जेक्ट किसको नहीं किया, इंटरनेट को यूज करना या फिर उनको, इंटरनेट को यूज करने से उनको मना नहीं किया, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मना करना, मतलब विरोध करना, ठीक है, एग्री नहीं करना किसी बात से, तो जो एग्री वो ऑब्जेक्ट जो नहीं कर रहा था वो किसको नहीं कर रहा था, कि इंटरनेट यूज करो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो देम है ना, ये टू का ऑब्जेक्ट ही है, इसको लिखो देर, देर यूजिंग इंटरनेट, पजेसिव केस का डिटरमिनर बना दो, ठीक है। तो ये कुछ और एग्जांपल थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको एक दो बार और समझ लेना, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, पहले दूसरे देखोगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से मैंने समझा दिया, बाकी सेम एग्जाम्पल है, तो बस मेन बात है कि पकड़ना है हमें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो पकड़ने के लिए सेंटेंस को तोड़ना है, ठीक है। मैं मिलता हूँ कुछ और एग्जांपल के साथ, आप इनको लिख सकते हैं, मैंने ये तीन चार एग्जांपल और लिखे हैं, एक बार इनको भी ट्राई कर लो, फिर हम इनको समझते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है ही शाउटिंग लाउडली वोक द चाइल्ड अप। अब देखो, वोक हमारी वर्ब हो गई, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया वो चाइल्ड, ठीक है। अब जो चाइल्ड को उठाने का काम किया, सो रहा होगा उसको उठाने का काम किया, उसकी वजह क्या थी, साउटिंग लाउडली या फिर ही, उसने उठाया कि उसके जो मतलब लाउडली चिल्लाने की वजह से उठा, तो लाउडली चिल्लाने की वजह से,
तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। कहने का मतलब एक्सटेंशन का जो डूअर होता है ना, जिसकी वजह से एक्शन हुआ था वो सब्जेक्ट हो गया। तो ये ही यहाँ पे गलत लिख दिया, तो हिज शाउटिंग लिखो। अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, बहुत इजी इजी हैं, जो अगर पिछले कुछ एग्जाम्पल जो समझ में आ गए तो ठीक है। वी फाउंड देम टॉकिंग वेरी डिस्टर्बिंग, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, फाउंड हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है। वी फाउंड देम टॉकिंग वेरी डिस्टर्बिंग, अब जो वेरी डिस्टर्बिंग है वो किसकी वजह से हुआ था, उनकी वजह से या फिर उनकी जो टॉक थी उसकी वजह से। वेरी डिस्टर्ब जो हम हुए वो उनकी वजह से हुए या फिर उनकी जो टॉक थी उसकी वजह से हुए, उनकी टॉक ही डिस्टर्बिंग थी। तो कहने का मतलब फाउंड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है दे टॉकिंग, तो ये क्या कर रहा है, वी फाउंड टॉकिंग वेरी डिस्टर्बिंग, मतलब उनकी जो बात करने की जरूरत है ना, इतना लिख देंगे तो फिर क्या होगा, पता नहीं चलेगा किसकी जो टॉक थी वो डिस्टर्बिंग थी, तो इसको लिखो देर। वी फाउंड देर टॉकिंग वेरी डिस्टर्बिंग, ये हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर जेरंड है ठीक है। वी फाउंड देर टॉकिंग वेरी डिस्टर्बिंग, ये क्या कर दिया, गलत लिख दिया। वी फाउंड देर टॉकिंग यहाँ पे लिख दो इन द रूम। अब बोलो वी फाउंड देर टॉकिंग इन द रूम, अब हमने किनको पाया, उनको पाया या उनकी टॉकिंग को रूम में पाया, जो रूम में थे प्रेजेंट वो कौन थे, वो लोग थे या उनकी टॉकिंग थी, लोग थे, तो ये ऑब्जेक्ट कौन होगा, फाउंड का ऑब्जेक्ट होगा देम। वी फाउंड देम टॉकिंग इन द रूम, उनको बात करते हुए रूम में पाया। तो देखो वर्ब यहां पे दोनों में सेम है, पर कभी कभी क्या होता है वर्ब हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट की वजह से, कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं वर्ब की वजह से, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हम चेंज कर रहे हैं इनके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है ना उसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे वेरी डिस्टर्बिंग, इसकी वजह से हमने यहाँ पे चेंज किया देम को देर में, क्यों, क्योंकि जो डिस्टर्बिंग बात थी वो उनकी टॉक में थी, वो डिस्टर्बिंग नहीं थे, चुपचाप बैठे रहते थोड़ी हमें डिस्टर्ब होते, पर उनकी जो टॉक थी ना वो डिस्टर्बिंग थी, तो फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया टॉकिंग। अब यहाँ पे जो रूम में वो कौन मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि बातें जो उन्होंने की थी वो रूम में थी, नहीं वो लोग रूम में थे, तो इस बार ऑब्जेक्ट हो गया दे ठीक है। वी फाउंड देम टॉकिंग इन द रूम। अब देखो और ये, अब अगर कोई आपसे पूछे ये टॉकिंग क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बता पाओगे, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है इसके लिए, वी फाउंड देम और इन द रूम क्या क्या है, ये एडवर्ब है, वेयर का रिप्लाई कि वो लोग कहाँ थे, रूम में थे, क्या कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, तो ये एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरंड होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो जेरंड है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस देम जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए है तो ये एडजेक्टिव है, ये जेरंड है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये बातें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है भाई, अगर आपने ये नहीं पढ़ी है ना तो आप एक बार जरूर देखें। देखो बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं है, इस चैनल पे हम जब भी पढ़ते हैं ना, आधा घंटा का वीडियो होता है तो हम आधा घंटा की सिर्फ पढ़ाई करते हैं, फालतू बात बिल्कुल नहीं करते हैं। पर एक्चुअल में क्या होता है, जो फालतू बात करते हैं वो चैनल ज़्यादा चलते हैं, ये फैक्ट है ना, तो बीच बीच में ज्ञान की बातें देते रहना चाहिए, वो मैं देता हूँ नहीं, पर मैं इतना बता देता हूँ कि अगर आप, मैंने लगभग 102 या 103 के अराउंड वीडियो डाल दिए, अगर वो आप सारे देख लेंगे ना, और देखने का सीक्वेंस क्या हुआ, पहली प्लेलिस्ट है, पहले फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर टेंस देखेंगे, फिर वर्ब देखेंगे, मैंने लिस्ट में भी जो प्लेलिस्ट बना रखे हैं ना उनमें भी नंबर लगाए, तो वो उस हिसाब से देखेंगे ना, तो फिर आपको ना इंग्लिश में क्लैरिटी दिखेगी, नहीं दिखे तो मेरी गारंटी दिखेगी, अगर नहीं दिख रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखो, आपकी कमी है, आप जिस स्ट्रक्चर से जिस हिसाब से पढ़ाया गया है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इंग्लिश मतलब मुश्किल लगनी बंद हो जाएगी ठीक है, आपको इंग्लिश में समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये एरर होते क्यों है, ये आपको समझ, अभी हम क्या करते हैं जनरली तुक्का मारते हैं कि यहाँ पे ये गलती हो सकती है, हम जब सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं हमें पता ही नहीं चलता
इंग्लिश बहुत आसान है अगर हम जिस तरीके से सही तरीके से उसको पढ़ें। तो आप सारे वीडियो एक बार देख के फिर आप अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना, पक्का आएगा। तो ये हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडवर्ब, देखो ये सब बातें ना। अब आपसे आपसे ये पूछ लिया, वेरी डिस्टर्बिंग, ये क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, बता पाओगे, कमेंट कर देना कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एक एक वर्ड को तोड़ के जब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लोगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये है, तो ये गलती है। ये सेंटेंस बताओ, वी सो हिम डांसिंग ऑन द स्टेज। हिज लिखें या हिम लिखें, कौन सा सही है? अब देखो एक बात ध्यान रखना, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई चल रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं उसके, वो जो एक्शन कर रहा है नाचने का, गाने का, चलने का, भागने का, उस एक्शन को देख रहे हैं या उस पर्सन को देख रहे हैं? हम उस एक्शन को नहीं देखते, हम बोलते हैं ना मैं डांस देखे, मैं डांस नहीं देखे, उस पर्सन को देखे हैं जो डांस कर रहा था। अब वो डांस जो एक्शन कर रहा था, वो एक्शन हमें नहीं दिखती, हमें दिखता है वो पर्सन, हमेशा वो पर्सन दिखता है। हर एक पर्स माइक्रो सेकेंड में वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोजिशन में होता है, वो पोजिशन बदल रहा है, डांस कर रहा है तो ना, गा रहा है तो वो मुंह अपने वोकल कॉर्ड से अलग अलग साउंड निकाल रहा है, पर हम देख किसको पा रहे हैं, हम उस पर्सन को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वर्ब किया सो का यूज किया है, तो देख क्या हम डांसिंग को पाते हैं? नहीं, हम डांस नहीं देख रहे, हम उस पर्सन को ही देख पाते हैं। वी सो हिम डांसिंग ऑन द फ्लोर। अब देखो कोई पूछ ले ये डांसिंग क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो क्या कर रहा था, इस हिम के लिए यूज हुआ है, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड होते हैं एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव है, वर्ब की, डांस हमारी वर्ब होती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब ऑन प्रीपोजिशन है, द स्टेज इसका ऑब्जेक्ट है। देखो ये चीजें हमने बहुत बार पढ़ी है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। अब ये क्या है, ऑन द स्टेज क्या किस बात का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है ना, वेयर का रिप्लाई तो एडवर्ब है, ठीक है। ऑन द स्टेज एडवर्ब हो गया, डांसिंग एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आप कोई सेंटेंस में गलती निकाल ही नहीं सकता, निकाले तो भाई उससे पूछो गलती क्यों है, हर एक बात अपनी जगह, जब सही है तो सेंटेंस गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, मैं मिलता हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ, आ जाओ। देखो हमने जो अभी तक पढ़ा वो समझ लिया होगा आपने। अब ना होता क्या है, मान लो कोई सेंटेंस लिखा है, ही आई यू एंड कमल, कुछ ऐसे करके, है ना, जिसमें कि सारे प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज कर रखे हैं। मान लो तीन टाइप के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमारे प्रोनाउन होते हैं, तीनों प्रोनाउन हमने एक ही सेंटेंस में यूज कर रखे हैं। तो होगा क्या कि अगर मान लो उसकी सीक्वेंस हमें दिखानी पड़े, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी पहले आई लिख दिया, फिर यू लिख दिया, फिर दे लिख दिया, और हर बार यही सीक्वेंस चल रही है, ऐसा नहीं होता है। ये जो हमारी इंग्लिश है ना, हमें पता है लैंग्वेज है, इसमें कुछ एटिकेट्स होते हैं। मतलब मान लो मैं बोल रहा हूं, तो मैं ये चीजें ध्यान रखूंगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूं और किसको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या बात बोल रहा हूं किसको बोल रहा हूं। ये कोई रूल नियम नहीं है कि भाई इस टाइम ये पहला लगाना, ये लगाना, नहीं, ये जनरल एटिकेट्स की बातें होती हैं। मतलब मान लो मैं अपने दोस्त के साथ कुछ बहुत अच्छा काम करके आया और मैं आके उस बात को बता रहा हूँ, तो होगा कि अच्छा काम करके आया हूँ तो मेरे एटिकेट्स ये कहते हैं कि पहले मैं अपने दोस्त को आगे करूँ कि भाई ये आदमी था, और फिर मैं अपने आप को इंक्लूड करूँ। और मान लो मैं करता तो नहीं हूँ, पर मान लो मैं गलत काम करके आया हूँ, किसी को मार के आया हूँ, किसी से लड़ाई करके आया हूँ, तो फिर होगा क्या, जैसे मान लो हमें किस स्टेज पे खड़े, हमें बताना है या पुलिस को बताना है या घर वालों को बताना है, किसी को भी बताना है, तो हमारे एटिकेट्स क्या कहते हैं कि भाई गलत काम करके आओ ना, पहले अपने आप को आगे करो कि मैं था और मेरा दोस्त था, ठीक है। तो ये कोई रूल नहीं है, बस इसको याद रखना है कि कब कौन सा
प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, देखो मैं एक बार लिख देता हूं, ये तीन तरह से हम यूज करते हैं। सबसे पहले अगर ऑल प्रोनाउंस आर सिंगुलर, ठीक है, और दूसरा ऑल प्रोनाउन आर प्लूरल, और थर्ड जब हम कोई अनएक्सेप्टेबल कोई नेगेटिव काम करते हैं, मैं इसको नेगेटिव लिख देता हूँ, ये जरूरी नहीं नेगेटिव काम हो, ऐसा काम जो मान लो जनरली होता नहीं है, किसी को एक्सक्यूज देना है, बहाना बनाना, ये सब जो चीजें हैं ना जो नेगेटिव सेंस देती हैं, वो काम करना हो, ठीक है, तब इनकी सीक्वेंस होती है। जब सिंगुलर होते हैं ना सारे, है ना, तो इसको लिखा करो 2, 3 और 1, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। जब प्लूरल होते हैं, प्लूरल का मतलब वी लिखना पड़ेगा हमें। अब देखो स्टेज पे खड़े हैं, चाहे वो हम अच्छा काम करके आए, तो क्या होगा कि हम अपने आप को आगे करेंगे, अपने आप को आगे करने का मतलब मैं नहीं होता, आई नहीं होता, मेरे साथ जो मैं हूं और मेरे जो लोग हैं जो वी में आ रहे हैं, है ना, मैं उनको पहले इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर बोलूंगा यू एंड फिर बोलूंगा थर्ड पर्सन। तो इसकी सीक्वेंस होती है 1, 2, 3, ठीक है, और जब हम नेगेटिव काम करके आते हैं तब भी सीक्वेंस होती है 1, 2, 3। अगर आप इस ध्यान से देखें ना इस सीक्वेंस को, तो देखेंगे पाएंगे कि जो 2, 3 है ना वो हमेशा साथ ही रहता है, यानी थर्ड पर्सन जो है ना वो हमेशा सेकंड पर्सन के बाद ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये तो सीक्वेंस है, हमें चेंज सिर्फ करना है फर्स्ट पर्सन को, ये बात ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन को ही हमें चेंज करना है। प्लूरल है तो मैं और मेरे साथ जो लोग हैं मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर सेकंड पर्सन की बात करूंगा और फिर जो बाकी बच गए उनकी बात करूंगा। अगर मैं नेगेटिव काम करके आया हूं तो मैं पहले अपने आप को बोलूंगा, फिर मैं यू को बोलूंगा और फिर थर्ड पर्सन को बताऊंगा। अगर कोई सारे ही सिंगुलर है ना तो फिर मैं सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और अपने आप को लास्ट में लिखूंगा, ठीक है। तो ये एक बार सीक्वेंस आप लिख लें, उसके बाद इस पर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखो वो चीजें अगर आपने लिख ली समझ ली, तो ये तीन एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इनको एक बार और समझ लेते हैं, फिर हम कुछ 5-10 एग्जाम्पल और करेंगे जिससे बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट और रहेगा छोटा सा, ठीक है, तो वो भी समझ लेंगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर सारे सिंगुलर हों तो क्या करना है, फर्स्ट पर्सन को लास्ट में रखना है, 2, 3 तो हमारी पोजिशन बदलनी ही नहीं कभी। अगर सारे प्लूरल हो तो फर्स्ट पर्सन को पहले रखना है और 2, 3 को तो कभी पोजिशन ही नहीं बदलनी, देखो 2, 3 की पोजिशन हमेशा साथ रहेगी। और कोई नेगेटिव काम हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, हमें किसी से एक्सक्यूज मांगना हो, कुछ करना हो ना, तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट पर्सन साथ रहना है, 2, 3 को तो कभी भी बदलना ही नहीं है। बात समझ आई? तो देखो इन पे तीनों एग्जाम्पल बेस्ड है, एक बार अपने आप ट्राई कर लो। अब देखो सबसे पहला, ही यू एंड आई आर इन्वाइटेड देयर, अब सारे के सारे सिंगुलर हैं और हमें कोई यहाँ पे कोई नेगेटिव काम, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई एक्सक्यूज या फिर किसी से कोई अपोलॉजी वगैरह कुछ भी नहीं है, नहीं है ना, तो सेकंड पर्सन पहले फिर थर्ड पर्सन और आई लास्ट में, बिल्कुल सही, ठीक है। यू वी एंड दे तीनों के तीनों प्लूरल है, अगर प्लूरल हैं, आर गुड फ्रेंड्स और कोई नेगेटिव काम भी नहीं है तो फर्स्ट पर्सन को पहले। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है ना आपको कंफ्यूज करेगा, जनरली क्या होता है कि पढ़ाया यही चीज आ जाती है कि नेगेटिव काम हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या अपोलॉजी हो तो फर्स्ट पर्सन को पहले रखना और 2, 3 को बाद में, और अदरवाइज क्या होता है 2, 3 को पहले और फर्स्ट पर्सन को बाद में, ये पढ़ाया जाता है ना, पर ये आधी बात है, पूरी बात यह है। तो ये सेंटेंस वी को पहले लिखना पड़ेगा, यू आई एंड ही लिख दो यहां पे, ही आर सॉरी फॉर हिज कन्फेशन, देखो यहां पे वर्ड हमने यूज किया सॉरी, फिर हो गया माफी मांगना
एक्सक्यूज लेना किसी हो गया ना, तो फिर से वही बात, फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, तो ये लिखो आई यू एंड ही आर, सॉरी फॉर द कन्फेशन। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये तीनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, तो मैं 5-7 एग्जांपल लिखूंगा, उसके बाद उसको आप अपने आप ट्राई करना, ये आप एक चाहें तो लिख लो। देखिए कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने, जो हमने समझा था सीक्वेंस ऑफ द प्रोनाउन, उनका अरेंजमेंट कैसे करना है, फर्स्ट पहले कौन आएगा, सेकेंड कौन आएगा, तो 6 एग्जाम्पल हैं, ये अपने आप ट्राई कर लो, फिर हम इनको समझ लेते हैं। ही यू एंड आई आर टू मेंटेन साइलेंस। अब देखो यहाँ पे तीनों सिंगुलर लिखे हुए हैं, जब सिंगुलर लिखे हुए हैं थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन तो थर्ड पोजिशन पे होता है, पर जो यू है ना इसको फर्स्ट पोजिशन पे रखो, इसको सेकेंड पे रखो और उसको थर्ड होगा, ठीक है। इसका सिक्वेंस होता है 2-3-1। आई एंड ही आर गोइंग टू सी द मैजिक। अब देखो जनरल सेंस लिखा हुआ है, दोनों सिंगुलर लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट पर्सन को क्या लिखोगे लास्ट में, और थर्ड पर्सन को क्या लिखोगे पहले, तो इसको इधर लिख दो, इसको इसको इधर लिख दो, यानी थर्ड और फर्स्ट है, तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा 3-1, ठीक है। ही एंड यू हैव वर्कड हार्ड फॉर आवर फैमिली। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रखना, थर्ड पर्सन हमेशा सेकंड के बाद ही आएगा, तो यू को पहले, ही को बाद में। यू वी एंड दे आर टू प्लान फॉर टूर, ठीक है, कि हम भाई कहीं टूर कर रहे हैं, टूर का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें शामिल क्या है, यू वी एंड दे, तीनों प्लूरल हैं, जब प्लूरल होते हैं तो हमें पता है सीक्वेंस होती है 1-2-3, वी को लिखो पहले, तो ये हो जाएगा वी यू एंड दे। यू आई एंड ही विल हैव टू अपोलोजाइज। अब देखो अपोलॉजी की कब कब मांगते हैं, जब हमने कुछ गलत किया होता है ना, तो नेगेटिव सेंस आ गया, जब भी नेगेटिव सेंस आ जाए तो फर्स्ट पर्सन को उठा के सबसे पहले, और 2 और 3 का तो सीक्वेंस बदलता ही नहीं है। दे एंड यू वर बिजी यस्टरडे। अब फिर से थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, इनका तो सीक्वेंस बदलना ही नहीं है, तो इसको पहले लाओ, इसको बाद में लिखो। ये बहुत आसान था, अगर हमने वो समझ लिए कि भाई सीक्वेंस क्या लिखनी है, तो इसको आप एक बार लिख लो, फिर मैं मिटा देता हूँ। देखो कुछ एग्जांपल और लिखे हैं मैंने, अब इनको भी समझ लेते हैं, इसके बाद हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें और रहेंगी, वो हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, समझते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इनको भी अब एक बार समझ लेते हैं, एक बार आप इनको ट्राई कर लो। इसमें एक्चुअली हमें समझना क्या है कि जो पजेसिव केस का प्रोनाउन होता है ना, वो हम क्या लिखेंगे, एक बार ट्राई करो फिर हम समझते हैं। वी यू एंड दे विल सबमिट रिपोर्ट, डैश रिपोर्ट। अब यहाँ पे हमें भरना लिखना है कि यहाँ पे इसका पजेसिव केस का कौन सा प्रोनाउन आना है। होता क्या है कि जब मान लो फर्स्ट पर्सन हो किसी में, सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो, तो अगर हमें इसका पजेसिव केस का प्रोनाउन लिखना हो ना, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन का लिखेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस में सेकंड हो और थर्ड हो, तो सिर्फ सेकंड का लिखेंगे, और अगर थर्ड पर्सन ही हो, वो चाहे ही लिखा हो, दे लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो थर्ड पर्सन का ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी ये बातें जो है ना, वो एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी। अगर मान लो फर्स्ट और थ्री लिखा हो, इस फर्स्ट पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो, तो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो, तो फर्स्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का ही लिखेंगे। जैसे मैं बोलूं, बात समझना कि भाई मैं, मोहन और कमल ने जो हमारी रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी। अब वो क्या बोलेंगे, हमारी बोलेंगे या मोहन की बोलेंगे या उनकी बोलेंगे या क्या बोलेंगे। तो जब फर्स्ट पर्सन बोलने वाला इंक्लूड है ना, तो वो सबको इंक्लूड करके हमारी बोलेगा, मतलब आवर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबमिटेड, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो आर,
यू ही एंड आई विल वॉच क्रिकेट मैच। देखो यहाँ पे यू है, ही है एंड आई है, तीनों के तीनों सिंगुलर हैं। देखो एक तो इनकी सीक्वेंस ध्यान रखना, यहाँ पे तीनों के तीनों प्लूरल है ना, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सीक्वेंस सही है। यहाँ पे तीनों के तीनों सेकंड सिंगुलर है, तो टू थ्री और वन सीक्वेंस सही है ना, तो यहाँ पे भरना है हमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, क्योंकि आई लिखा हुआ है। यू ही एंड आई विल वॉच क्रिकेट मैच एट आर होम। यू एंड सी आर टू गो ऑफिस ऑन संडे। अब देखो यहाँ पे सिर्फ सेकंड पर्सन लिखा, थर्ड पर्सन लिखा है, तो जब सेकंड और थर्ड लिखा हो ना, तो यहाँ पे लिखो योर ऑफिस ऑन संडे। हमें फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव केस यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस, अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट का लिखेंगे, सेकंड है तो सेकंड का लिखेंगे, थर्ड है तो थर्ड का। सी एंड ही हैव कास्ट। अब देखो सी एंड ही लिखा हुआ है, दोनों ही थर्ड है, दोनों ही थर्ड हैं, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का अगर दो हो गए, तो ऐसा तो नहीं लिख सकते, हर नहीं लिख सकते, हिज नहीं लिख सकते, हिज लिखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा, हर लिखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा, इनका प्लूरल हो गया, तो प्लूरल केस का लिखना पड़ेगा देयर, ठीक है? देयर वर्ड्स। द टीचर स्कोल्डेड यू एंड आई। अच्छा ये बीच में कोई और एग्जाम्पल हो गया, अब इसको क्या गलती है, अपने आप से ही कर लेना। स्कोल्डेड वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, आई लिख दिया बस, यू एंड मी, ठीक है? कमल राम रेखा एंड यू मिसकंडक्टेड विद टीचर। अब देखो हर आएगा, ही जाएगा, देर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे तीनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखो योर टीचर। बात समझ में आ गई होगी? तो पर्सनल प्रोनाउन में इसके बाद खत्म होता है, कुछ छोटे छोटे चीजें एक दो और हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन से पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट प्रोनाउन से पहले एक बार पढ़ लेंगे, पांच चार एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ छोटी छोटी बातें और समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप जरूर शेयर किया करें।